2000 के अंदर जब आरसीएम शुरू हुआ, एकदम शुरू के दिन से मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं भाग्यशाली हूं, मैंने जैसे कहा ज्वाइनिंग सिर्फ पेंट के कपड़े से हुई। उस समय सिर्फ पेंट का कपड़ा था। 45 साल की उम्र में मेरे को यह बिजनेस मिला। 45 साल की उम्र में यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि थिंक 1000 टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, बट इफ यू हैव डिसाइडेड वंस एंड स्टार्टेड, 1000 चैलेंज में कम, डोंट सी बैक, डोंट सी बैक, यू विल सक्सेस, यू विल सक्सेस। निर्णय ले लिया, एक बार सोच लिया, फिर 1000 चुनौतियां आ जाए, पीछे मत मुड़ना, तुम सफल हो जाओगे। आरसीएम बिजनेस ने नेटवर्किंग की सारी धारणाओं को तोड़ा। आरसीएम से पहले एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसमें सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स यही होते थे, और एक आम आदमी की धारणा थी कि ये ऊंची रेट के होते हैं, इनकी रेट ज्यादा होती है। ये धारणा को आरसीएम ने तोड़ा, एफएमसी प्रोडक्ट लाके, नमक और आटे जैसी आइटम लाके। ये किस कारण से हुआ? ये हम भाग्यशाली कि हमारे साथ टीसी छाबड़ा जी है, उनके दृढ़ संकल्प से यह संभव हुआ। टीसी जी के जितने गीत है ना, उन गीतों में आरसीएम का सार छिपा हुआ है। और ये जो दृढ़ संकल्प सर का था ना, इसका भी एक गीत है, गुनगुनाना चाहता हूं। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम, इस जगत में स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। एक संकल्प हुआ टीसी जी का, और उससे इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा हो गया। ये जो संकल्प आया, ये टीसी जी को ऐसा नहीं कि शुरू में चैलेंज नहीं आए, कितने चैलेंज आए, हर तरीके के चैलेंज आए, लेकिन हर चैलेंज को उन्होंने मिशन के रूप में लिया कि ये करना है। अब टीसी जी जो कहते हैं कि ये नए भारत के निर्माण का अभियान है, ये इसको पूरा करने के लिए मिशन है ये एक, और इसके जो प्रोजेक्ट तैयार किए टीसी जी ने, उसमें गुरुकुल सुबह 6:30 बजे, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम कितना वजन देते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जीवन में बहुत पैसा कमाया और 0 हुआ, 2-2 बार। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर आए तो, लेकिन लगातार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आरसीएम गुरुकुल सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, पैसा तो एक अलग है, उसका तो चर्चा ही नहीं है कहीं। ये अभियान है देश के लिए। आपको कभी ऐसा सोचना नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं, सोचना क्या, दिल से भी नहीं सोचना है तो आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। जिस दिन आपके मन में यह आया कि इस अभियान को मैं अलग रूप में लूं, तो आपकी कामयाबी में फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये टीसी जी को ऐसे ही नहीं करते, कोई मिशन जब शुरू करते हैं ना, तो चाहे डायमंड क्लब शुरू किया तो फिर टीसी जी उसको करते हैं,
मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, टीसी जी जो काम करते हैं मैं जानता हूं, उस काम के फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, 7 अगस्त 2022 को टीसी जी के भाई भाभी जी का देहांत हो गया और 10 अगस्त को चौथे दिन टीसी जी सुबह के सेशन में थे। हमें कितना गर्व होना चाहिए सोचिए जरा। मैंने सर को कहा तो सर ने जवाब दिया, ये मिशन है, जो इस जीवन में आया उसे जाना है, लेकिन मिशन कभी रुकता नहीं है साथी। मैं समझता हूं ये इतना बड़ा वाक्य है जिसको अगर हम दिल से समझ लें तो बस हो गया आरसीएम पूरा। यहां हमारे पास टीसी छाबड़ा जी है सर, इस प्रोजेक्ट में ये गुरुकुल के साथ साथ वृक्ष वृद्धि अभियान, वृक्ष वृद्धि अभियान, पहले वृक्षारोपण होता था लेकिन यहां वृक्ष वृद्धि अभियान लगे। आपको सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसको खड़ा करना है, फोटो अपलोड करनी है, उसको खड़ा करके फिर फोटो अपलोड करनी है, यानी लगाओ जितनों को पालो और बड़ा करो। ब्लड डोनेशन, ये लाइव ब्लड डोनेशन, ये एक हमारे प्रोजेक्ट का टीसी जी ने नया शुरुआत की है। मेरा ऐसा मानना है किसी को जीवन देना हो ना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, और जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू उसे पता चलती है। शेक्सपियर ने एक जगह कहा है, इंपॉर्टेंस मस्ट बी काउंटेड इन अब्सेंस। जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो आपके पास नहीं होती तो उसके महत्व का समझ में आता है। माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं महत्व समझ में नहीं आता, जिस दिन दुनिया को चले जाते हैं छोड़ के उस दिन समझ में आता है। अरे और तो और एक काम वाली बाई है ना, वो भी 2 दिन नहीं आती है तो उसका महत्व समझ में आता है। तो जब ब्लड एक ऐसा चीज है कि जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और अगर हमने एक अकेला ये काम भी अगर ढंग से अच्छे ढंग से जी जान लगा के, क्यों हमारे पास सेना है, अगर ये कर लिया तो लोगों की दुआएं तो मिलेगी लेकिन भारत के हर जगह में हर आदमी के पास हर गली में आरसीएम का नाम होगा आने वाले समय। और इसके साथ में टीसी जी को हेल्थ का हमेशा चिंता रहता है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको सेहत साथी, सेहत साथी यूं कहें तो हम डायमंड क्लब को और सेहत साथी को, सेहत साथी को अगर आप बिजनेस से जोड़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी अभी मैंने सेहत साथी के 2 फॉर्म भरे हैं, दोनों का प्रोडक्ट शुरू हो गया है। और हम जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हमें अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि हम अपने जान पहचान वालों को देते हैं, चाहे हमें पूरा आता है पर वो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन वही अगर हमें किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ढंग से उनको समझा दिया जाए तो वो उसका लगातार लेंगे, लगातार जब कोई प्रोडक्ट आरसीएम का लिया जाएगा तो 101% उसके रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। मैं अपनी बात कहूं तो 2009-10-11 के आसपास मेरे घुटने एकदम खराब हो गए थे। मैं वॉलीबॉल खेलता हूं और मेरा वॉलीबॉल बंद हो गया था। मैं अहमदाबाद गया था डॉक्टर पारिक के पास, उन्होंने कहा आपके घुटने अब खराब होने वाले हैं, आप खेलना बंद कर दीजिए। साथियों मैंने बीजे शुरू किया जब से आया तब से, हर साल मैं 3 महीने लेता हूं लगातार, और मैं आज लगातार 3 से 4 घंटे रोज खेलता हूं। ये क्यों है कि लगातार लिया हमने, आज तक जब भी किसी को प्रोडक्ट दिया 1 महीना लिया फिर नहीं लिया, 2 महीना लिया फिर नहीं लिया, तो रिजल्ट आता नहीं है। और जब रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तो सेल तो हो जाता है बट रीसेल नहीं होता है, कभी कभी रीसेल तो हो जाता है बट रेफरेंस सेल नहीं होता है। रेफरेंस सेल कब आएगी, जब उसको रिजल्ट मिलेगा। और मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि अगर हमने सेहत साथी को सही ढंग से पकड़ा, उसकी सारी बातों को ध्यान से किया, यानी फॉलोअप ढंग से किया, वो प्रोडक्ट ले रहे कि नहीं ले रहे ये किया, उनका जब समय होता है वापस काउंसलिंग का उनके साथ, तो उस समय
हमें उन्हें याद दिलाना ये सब किया। और अगर हमने ज्यादा लोगों को नहीं, अगर हर आदमी एक या दो जगह भी ये दे और उसके रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे, फिर आपको रेफरेंसिप सेल मिलेगी, वो किसी दो को बताएगा या हम बता पाएंगे कि देखिए उनको हमने दिया, आप फोन करके पूछ लीजिए, तुरंत काम होगा आपका। यानी हमें सबसे आसान तरीका ये मिल गया है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। ये हमें फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब हल्का है, ये नहीं है। इसको बहुत वेटेड तरीके से बताएंगे तो हमारा ये सेहत साथी का रिजल्ट हमें 101% मिलेगा। साथियों, जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो जैसा मैंने कहा आवाज नहीं आ रही ना सर, म्यूट है, सॉरी। जब ये बिजनेस शुरू किया तब सिर्फ पेंट का कपड़ा था और कोई प्रोडक्ट था नहीं। जॉइनिंग सिर्फ पेंट के कपड़े से थी, बोरे में भर के कलकत्ता पेंट के कपड़े और फॉर्म्स ले गए और उन्हें भर के बिजनेस किया। वो संघर्ष और आज के इस बिजनेस को जब मिलाते हैं तो आज का संघर्ष उस संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी चुनौतियां आने के बाद भी टीसी छाबड़ा जी ने जब आरसीएम को लगातार किया तो इस बिजनेस में आरसीएम सफल हुआ, आरसीएम आगे बढ़ा। और इस बिजनेस में जितने भी बड़े लीडर्स है उन सबकी भी कहानी यही है कि उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया, और जिसने ज्यादा से ज्यादा संघर्ष किया वो उतने ही ज्यादा उन्नति के ऊपर है, उसकी पिन लेवल उतनी ही बड़ी है। लेकिन आज आपके सामने आरसीएम की ढेरों श्रृंखला है प्रोडक्ट की, अब ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। मैंने आज ही कलकत्ता एक ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, यानी ऑनलाइन को अगर हम यूज करते हैं तो हम लाजवाब रिजल्ट ला सकते हैं। सामने वाले का घर प्रोडक्ट पहुंच जाता है और हमको बैठे बैठे अपना बिजनेस मिल जाता है, लेकिन सामने वाले को फिर प्रोडक्ट देने के पीछे हमारी भावनाएं बिजनेस की नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं यूं कहूं कि अगर आपके मन में बिजनेस की बात बिल्कुल ही नहीं आए तो आपको और ज्यादा चलेगा। टीसी जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके मन में भावना बिजनेस की नहीं है और आपके सहयोग की भावना है, आपके मन में सामने वाले के हित की भावना है, तो आपका काम जल्दी होगा, आसानी से होगा। ऑनलाइन 250 सिटी में हो गए और इतने कम समय में 75,000 से ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसी कारण से 407 की रैंकिंग जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत समय बाद मिलती है, आरसीएम की ऑनलाइन सिस्टम को 407 की रैंकिंग मिल गई है। ये सब हम लोगों की नेटवर्क की ताकत, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ताकत से हुआ है, आरसीएम सिस्टम की ताकत से हुआ है, आरसीएम मैनेजमेंट के शानदार तरीके से, वासुदेव छाबड़ा जी के शानदार काम करने के तरीके से हुआ है। ये अभी अभी एनिवर्सरी में सौरभ जी ने ई कैटलॉग चालू किया, आप ई कैटलॉग को डाउनलोड करके और किसी के यहां भेज दीजिए, मैं पक्का कहता हूं आप बात कर लीजिए, प्रोडक्ट की थोड़ी सी भव्यता दिखा दीजिए। क्योंकि अगर आपने सही ढंग से प्रोडक्ट की भव्यता बता दी, तरीका बता दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दी, उसके बारे में कुछ वीडियोज भी भेज दिए, आपको 100% वो आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेगा और आप उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये जो तरीका हमें मिल रहा है लगातार आगे से आगे, ये कितना, आज सौरभ छाबड़ा जी आसाम के टूर पे 17, 18, 19, 3 दिन वहां काम करने गए हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या कमियां है, इतनी बारीकियों से वो देखते हैं इस काम को। हमें गर्व होना चाहिए कि टीसी छाबड़ा जी की ट्रू कॉपी एक हमारे पास और आ गई है, सौरभ छाबड़ा जी। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सौरभ जी तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। टीसी छाबड़ा जी का सपना है गुरुकुल के माध्यम से, हम सोचते आज के लिए, हम सोचते एक साल में मुझे क्या मिल जाएगा, आने वाले 2-4 साल में क्या मिल जाएगा। टीसी छाबड़ा जी आपके 10 से 15 साल बाद की सोचते हैं, आपके बच्चों के लिए सोचते हैं। टीसी छाबड़ा जी वो रास्ता बताते हैं जो शाश्वत होगा, जो हमेशा के लिए होगा।
वो सिस्टम देते हैं जिसपे अगर आप चलते हो तो आपको बिल्कुल शांति से, मस्ती से, पूरा समय के साथ मजा करते हुए बिजनेस बढ़ेगा। जबकि बिजनेस बढ़ाने का आपको बहुत प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा अगर टीसीजी वाले पूरे फार्मूले पे चलते हैं, पूरा तरीका टीसीजी। लेकिन कहते हैं कि अगर सारे जने एक ही तरीके से आ जाए तब रिजल्ट आता है। अभी अभी इलेक्शन हुए, बीजेपी को मिली सीटें, कारण सारे ही लोग एक ही तरीके से मोदी जी का फॉलो करते हैं, मोदी जी के कारण से, मोदी जी के कारण से, सबके कारण से हुआ, पर एक ही फॉलोअप, एक ही तरीके, एक ही तरीके की बात है। अगर हम सबकी भी टीसी चाहते एक तरीके की बात हो तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है। 95% लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हर आदमी के लिए है, बट मिलेगी किसको? इंग्लिश में कहते हैं, गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, इट इज अप टू अस वेदर वी आर अवेलिंग और नॉट दैट अपॉर्चुनिटी। इफ वी आर नॉट अवेलिंग, इट गोज टू अदर्स। व्हाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी डजंट स्टे एट ए टाइम एट ए प्लेस। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका जीवन में हर आदमी को कभी ना कभी मिलता है। वो आदमी अगर उस मौके को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, ग्रेप कर लेता है, तो मौका उसकी जिंदगी बदल देता है। और अगर वो छोड़ देता है उस मौके को, तो मौका किसी दूसरे को मिल जाता है, क्योंकि वो मौका तो किसी न किसी को मिलना है। आपने एक जमीन खरीदी, खरीदने के लिए गए और आपका सौदा नहीं हुआ थोड़े रुपए के लिए, और वो किसी दूसरे ने खरीद ली, आपको 5 लाख में खरीदनी थी, आपने कहा मैं 4.5 लाख दूंगा, और वो किसी ने 5 लाख में, 4.5 लाख में खरीद ली, आज वो 5 करोड़ की हो गई, वो अपॉर्चुनिटी थी। ऐसे ही हमारे पास एनिवर्सरी एक अपॉर्चुनिटी आई, बहुत लोग गए, बहुत लोग नहीं गए। ये जो जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रेप करते जाएंगे, निर्णय लेते जाएंगे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये आरसीएम की जान है, आरसीएम के प्रोडक्ट। आप इस पे भरोसा करना 100%। किसी जी को अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा है। एक कुछ दिन पहले की बात है, काफी साल पहले की, टीसी जी एक शोरूम का ओपनिंग करने गए थे और फिसल के गिर गए थे। गिरने से उन्हें चोट लगी थी, खून आने लगा, सभी लोग बोलने लगे कि फर्स्ट एड लाओ, फर्स्ट एड लाओ। और टीसी जी ने क्या कहा? रुको रुको, अपना हल्दी का पोच है ना, निकालो तो। और उसे लगने वाली जगह पे लगाया। इतना भरोसा अपने प्रोडक्ट पे है टीसी जी को, हमें होना चाहिए, हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बने। अगर हम यूज करने के बाद बोलते हैं तो हमारा बोलने का ताकत कुछ अलग होता है। यूज करने के बाद, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए आप खास मित्र है और उस मित्र ने आपको कहा कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसमें मैं बहुत शानदार खाना देता हूं, आप एक बार जरूर पधारना। उसका बात करने का तरीका ऐसा था कि आप अपने परिवार को लेकर उस दोस्त के रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट में जब आप गए तो एक आदमी बैठा था, उसको आपने पूछा कि भैया आपके दोस्त का नाम से बोला कि कहां गया मेरा दोस्त। तो उस मैनेजर ने कहा कि आपके दोस्त की फैमिली आई है, वो बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो आप उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्या? जब उसको खुद को अपने रेस्टोरेंट पे भरोसा नहीं है तो फिर दूसरे को वो कैसे खिला पाएगा, कौन खाएगा उसके? ऐसे ही अगर आरसीएम के प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं तो हम भरोसे से दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? तो आरसीएम की जान है आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम की जान है हमारे वेंडर्स, हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज, गामा, गुड डॉट, हरी संजीवनी, तुलसी पेंट। आरसीएम की जान, आरसीएम का शानदार सिस्टम। कोई
कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, मैं आपको बताऊं तो बस आपको लगेगा कि भीलवाड़ा का पहला शोरूम खोलने का मुझे सौभाग्य मिला और टीसीजी के खास उस शोरूम में सामान लेने आए। ये 2005 की बात है। 3800 कितना रुपया का प्रोडक्ट हुआ था उन्होंने खरीदा, बिलिंग करने के लिए मैंने कहा 3825 रुपया समथिंग जो था। उन्होंने कहा आप मुझे जानते नहीं क्या? मैं बोला जानता हूं। बोला मैं पैसा नहीं लाया हूं। बोला मैं बोला यहां तो ऑर्डर है पैसा कैश देने का ही। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने टीसीजी को फोन किया कि मैं यहां आया हूं प्रोडक्ट लिया, टीसीजी का बहुत अच्छा किया। बोला मैं पैसा नहीं लाया हूं। बोला पैसा तो मैं कैश देना पड़ेगा। बोला मैं लाया नहीं हूं। तो बोला घर आके ले जाओ या कहीं मैं भिजवा देता हूं, लेकिन वहां तो कैश देना पड़ेगा। इतना जिनका पक्का रहता है बात, तब इतना बड़ा काम चल पाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इतने संघर्ष के अंदर मैंने टीसीजी को देखा। जब 2012 के अंदर आरसीएम में सैकड़ों सैकड़ों ट्रक पूरे इंडिया से भीलवाड़ा में आ गए थे और आटे में साबुन तेल मिक्स होकर के सारा आया, और वो जब खाली हो रहा था उस समय का जो वहां का माहौल देखने लायक था, हर आदमी तो उसे नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन टीसीजी ने बड़ी ही मन धैर्य के साथ उसको किया। मैं उस समय वहां था, टीसीजी खुद काम करते थे अपने हाथ से। हम भाग्यशाली हम टीसीजी के साथ, हमारे हमारे को गर्व होना चाहिए, और जितना गर्व करो उतना ही कम है मैं तो कहूंगा। हम काम कर रहे थे, हमें पुराना टॉवेल चाहिए था, तो टीसीजी ने कहा कि वहां टॉवेल पड़े ले आओ। मैं है ना कुछ मैंने टॉवेल लेके आया, लाया तो बोले ये गलत ले आया, वो फटे वाले लेके आओ। इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज का नॉलेज रखते हैं और खुद काम करते हैं। वहां काम करते करते नीचे आए, एक पार्टी है उससे बात की, उसने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। टीसीजी ने कहा ये रेट लगेगी। उसने कहा मैं पूरा लेऊंगा। टीसीजी एक ही बात बोलते हैं, ये रेट लगेगी वही रेट। उस आदमी ने कहा मुझे टीसी छाबड़ा जी से मिलना है। मैंने कहा ये टीसी छाबड़ा जी? उसने कहा वो नहीं, मैं आरसीएम के मालिक टीसी छाबड़ा जी मिलना। मैं बोला यही है। वो आदमी देख के तंग रह गया, कंपनी के मालिक इतने बड़े आदमी। तो टीसीजी को कोई काम छोटा नहीं लगता है। हमें क्या प्रोडक्ट सेलिंग में ही छोटा लगता है? हमें जब बताया जाता है, टीसी चावड़ा जी जो बताते हैं हमारी जिंदगी बदलने के लिए बताते हैं, उन्हें क्या जरूरत है 2021 से लगातार सुबह सेशन देने की, गुरुकुल में आने की? क्या हमें हमारा टाइम ज्यादा कीमती है? उनका टाइम कीमती नहीं है क्या? उन्हें पता नहीं है कि आपके समय की क्या कीमत है, क्या मुझे आगे आपके लिए करना है? तो हमारे वेंडर्स हमारी जान है, टीसी छाबड़ा जी हमारी जान है, आरसीएम का शानदार सिस्टम हमारी जान है। आरसीएम को ये 40-50 मिनट में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आरसीएम जीवन है और जीवन को कम समय में नहीं बता सकते। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने अपने बेटे को एक 5 साल का उसके एक इंजेक्शन लगाओ 1 करोड़ का, 50 लाख का, और कल सुबह 21 साल का हो जाए, ये संभव नहीं है। उसे जीना पड़ेगा 16 साल और। आपको भी ये 40-50 मिनट में आरसीएम नहीं समझाया जा सकता, इसे जीना पड़ेगा आपको, इसके अंदर अपनी आत्मा को डालना पड़ेगा। हाँ, आज के इस प्रोग्राम के बाद एक चीज हो सकती है, वो है आप निर्णय ले सकते हैं कि हमें ये करना है। क्यों निर्णय लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग
इंडिया में चालू हुआ नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ये बहुत गहराई से कह रहा हूं, आप चालू नहीं हुआ अभी। पूरे भारत का 1% लोग भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आया नहीं है। काम करने वालों का परसेंटेज और कम है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिजनेस है। आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ेगा, भारत में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। 54% ग्रेजुएट हर साल अनएम्प्लॉयड होते हैं। काम तो चाहिए उनको, उनको काम चाहिए। तो आरसीएम के बराबर कोई खड़ा नहीं है। आरसीएम के जितने डिपो है उतने डिपो किसी भी कंपनी के पास, इंडिया की कंपनी के पास नहीं है। आरसीएम के पास जो डिलीवरी सेंटर है 10-12 हजार, शोरूम, पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड पिक, और आपके पास लाखों डिस्प्ले वाल प्रोडक्ट की इतनी बड़ी श्रृंखला किसी के पास नहीं है। मैं कहता हूं आटा और नमक देने की ताकत टीसी छाबड़ा जी के अलावा किसी में नहीं हो सकती। मेरा चैलेंज है, कोई नहीं दे सकता। ये मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है साथियों। मैं आपसे कहूंगा आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या है, जिंदगी जीने का शानदार तरीका है आरसीएम, और उनका जीवन सजाने का सुयोग है आरसीएम, भावी पीढ़ी के लिए एक समाधान है आरसीएम, अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर है एक आरसीएम, महिलाओं को पहचान दिलाने का स्थान है आरसीएम, जीवन मूल्यों की वृद्धि का अनुष्ठान है आरसीएम, लाखों कहानियां बनाने की राह का निर्माण है आरसीएम, नए भारत के निर्माण का अभियान है आरसीएम। इसको हल्के में क्यों ले? आपके बिजनेस को आपके बाद आपका बेटा कर ले, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पिछले 8-10 साल से मेरा बेटा दीपक मेरे साथ काम कर रहा है और मैं नेटवर्क को एंजॉय कर रहा हूं। मेरे को 45 साल की उम्र में मिला। आप अगर आज जो प्रोग्राम देख ले, उनमें से कुछ लोग 20-25-30-35 वाले हैं। साथियों काम करो तो ऐसा करो कि जुनून हो। कुनकुना काम करना नहीं, अब करो तो ऐसा करो कि खिल जाए। सबको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष एक बार करो। वत्सार की किताब 5 साल या 45 साल, या तो 5 साल जम के काम कर लो कि बाकी के 45 साल जिंदगी मस्त हो जाए। जिस आदमी के पास 10,000 रुपया नहीं था आरसीएम से पहले, उस आदमी के पास आज सब कुछ है। मेरे जैसा अगर इंसान गांव में पैदा हुआ आदमी अगर इसमें सफल हो सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है आज जितने लोग आए हैं उनमें से जो आदमी आज निर्णय करता है वो सफल हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि वो निर्णय करे और निर्णय पे अडिग रहे, संकल्प ले। और बीसी चावड़ा जी के जैसे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम आरसीएम को कभी भी इस समय नहीं खोए। समय आपके पास नहीं आएगा। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैंने आरसीएम को कैसे किया। मेरे पास न तो नेटवर्किंग का कोई तजुर्बा था, मैं एक बिजनेसमैन था, मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अपने एक मित्र से पैसा मांगा, उसने मना कर दिया। अगर वो मुझे 10,000 रुपया दे देता उस टाइम, हो सकता है मेरा बदल जाता माइंडसेट। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक आदमी कोई किसी का मर्डर करने जा रहा हो, हाथ में छुरा हो और सामने कोई मिल जाए, कहां जा रहा है, तो उसका माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर मुझे 10,000 मिल जाता तो हो सकता है मैं आरसीएम में नहीं आता। उस समय मुझे बहुत खराब लगा था कि मेरा खास दोस्त ने मुझे 10,000 रुपये के लिए मना कर दिया। लेकिन आज उसका धन्यवाद देता हूं कि तूने मना किया मेरे भाई, तो मैं आरसीएम में आ गया। एक आदमी को काम चाहिए था, अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आया
कि फलाना फलाना जगह में एक झाड़ू लगाने वाले का जरूरत है। वो आदमी को काम चाहिए था, वो वहां गया झाड़ू लगाने के लिए। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका झाड़ू पसंद आ गया। ऑफिसर को बोला तुम्हारा झाड़ू लगाना सबसे अच्छा, साफ सफाई का लगाया, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम यहां पे साइन करो। वो आदमी बोला सर मेरे को तो साइन करना आता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। बोला सरकारी नौकरी है, साइन तो लगेगा, साइन के बिना नौकरी नहीं लग सकती। बोला साहब मेरे काम का पैसा मिलेगा या साइन करने का पैसा मिलेगा? बोला वो नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा मुंह लटकाए हुए वापिस आया, रास्ते में एक फल का एप्पल का ठेला था, उसके पास से निकल रहा था कि 3-4 एप्पल नीचे गिर गए सड़क पे। उसने उठा के एप्पल को जमा दिया वापिस। एप्पल का ठेला मालिक ने बोला काम करोगे? वो काम करने निकला था। बोला करूंगा, कब से करोगे? बोला अभी से कर लूंगा। ठेले के काम में लग गया और काम को जुनून से शिद्दत से करने लग गया। उसके पास एक अपना ठेला हो गया, धीरे धीरे एक छोटी दुकान हो गई, धीरे धीरे बड़ी दुकान हो गई, धीरे धीरे वो होलसेलर हो गया, धीरे धीरे वो एक्सपोर्टर हो गया, धीरे धीरे वो इंपोर्टर भी हो गया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गया। जब वो निकला था झाड़ू से तो उन्हें कह रहा था साले सब बेवकूफ है, मुझे नौकरी नहीं दी, लेकिन अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए। जब इसी समय उसके पास पैसा हो गया तो एक पढ़ी लिखी औरत से उसकी शादी हो गई। अब औरत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने जाती थी, थोड़े समय बाद औरत प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा होने वाला था औरत को, और एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए फॉरेन जाना था। तो वाइफ को तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वो खुद गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में अपने पीए के साथ गया। तो वहां जाकर के बातचीत हुई, डील फाइनल हुई। बोला तुम यहां साइन करो। बोला मुझे तो साइन करना आता नहीं है, उसको तो पढ़ा लिखा था नहीं। तो उस आदमी ने कहा अरे आप पढ़े लिखे नहीं हो, साइन करना नहीं आता, आप अगर पढ़े लिखे होते तो क्या कहां होते आप? बोला वहां झाड़ू लगाता। तो कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी घटती है जो आपको उस समय लगती है कि खराब है। टीसी छाबड़ा जी की कुछ बातें ऐसी है जो आपको लगती है कि खराब है, बट आप अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ाते हो उसे लगता है खराब है, बट आपको पता है कि आपका जीवन बनने वाला है। टीसी छाबड़ा जी को पता है कि आपकी जिंदगी 10 साल बाद कैसे होने वाली है, आपको पता नहीं। वो आपकी जिंदगी का आर्किटेक्ट है। मैंने इस बिजनेस को कैसे किया? मैं तो बिजनेसमैन था, नेटवर्क का मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन मेरा एक काम रहा, मैंने रिलेशन सबसे बना के रखा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, रिलेशन सबसे बना के रखना, रिलेशन कभी कमजोर मत होने देना। अगर रिलेशन और पैसा दोनों बात आए तो पैसे को एक साइड रख देना, रिलेशन को ऊपर रखना, क्योंकि अगर आप ये सोचे जिस चीज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते उसको पैसे से मूल्यवान समझना, अपने मां बाप को पैसे से नहीं खरीद सकते मूल्यवान समझना, रिलेशन को आप पैसे से नहीं खरीद सकते पैसे से मूल्यवान समझना, हेल्थ को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हेल्थ को पैसे से ऊपर रखना। मेरी उम्र 69 है और हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहा हूं, ये भी आरसीएम की बदौलत है, नहीं तो मेरा वजन 34.5 किलो हो गया था। मेरे पास बहुत नशे थे, बहुत नशा करता था, आज मस्त लाइफ है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा दीपक मेरे साथ आरसीएम कर रहा है, आज मैक्सिमम काम वही करता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरे अपलाइन आरसीएम का सिस्टम, मेरी प्यारी प्यारी डाउनलाइन, मेरा बेटा दीपक काम तो वो कर रहे हैं और यार नाम हो रहा है, है? राजा राम जी साहब कनाडा से मीटिंग ले रहे हैं, इनकम आ रही है, यही तो आरसीएम है। तो मजा लेना है तो कुछ संघर्ष कर लो मेरे भाई। सारे लीडर्स, जितने सफल लीडर्स है, सबकी स्टोरी है अपनी, आपकी भी एक स्टोरी बने। जितना बड़ा संघर्ष उतना मजेदार आपका जिंदगी। ये आपके जीवन को
सब तरीके से दौरबार कर देगा। मैं कहता हूं टीसी छाबड़ा जी, जिस तरीके का आरसीएम चाहते हैं ना, उस तरीके का आरसीएम जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन फिर लोग लाइन लगा के आरसीएम में आएंगे। ये बात आज आपको शायद लग सकती है, आज से 50 साल पहले जब किसी को बोलता कि पानी की बोतल पानी में बिकेगी, बोतल में बिकेगा पानी, तो कोई नहीं मानता था। मैं आज आपको कह रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें अगर आप ज्वाइन होते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको हर साल पैसा देना पड़ता है, पैसा लगता है, 5,000 से 10,000 एक एक सोसाइटी। मैं भारत विकास परिषद का मेंबर हूं, 7-8 हजार रुपया लगता है, हर जगह लगता है, वहां मिलता कुछ नहीं है, पैसा लगता है, फिर भी लोग उसमें जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, मुझे पता है, लोगों को पता है कि वह अच्छी संस्था है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आरसीएम खराब संस्था है क्या? कितना आसान काम है ये, क्या करना है? बाजार से सामान ला रहे हो, इससे लेना है, काम तो कुछ विशेष है ही नहीं। अब आपको क्या करना है? आपको नेटवर्क बनाना है, तो आप जिनको ज्वाइन कराओ वो प्रोडक्ट यूजर बन जाए, सिर्फ थोड़ा बहुत शेयर कर दे नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका काम हो जाएगा। अब आप जब ये कर रहे हो अपने तरीके से और सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार टीसी छाबड़ा जी वाला तरीका भी अपना लो ना। अगर आपने ज्वाइन करा के गुरुकुल में बिठा दिया, तो फिर वो आरसीएम तो कभी नहीं छोड़ेगा, प्रोडक्ट यूजर तो बनेगा, और इतना ही तो चाहिए आप। फर्स्ट थिंग प्रोडक्ट यूजर, सेकंड थिंग शेयरर, थर्ड थिंग नेटवर्कर, तीन चाहिए आरसीएम में, और तीनों इसी से पैदा हो सकते हैं। मेरा पक्का विश्वास है, टीसी छाबड़ा जी की बातों को मानना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आपको, बदलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमें पता है इससे नहीं होगा, नॉइंग बट नॉट डूइंग इक्वल टू नॉट नॉइंग, वत्स जी कहते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कहते हैं। आप सबको तीसरी क्लास में बताया गया खाना चबा चबा के खाना चाहिए, कितने लोग खा रहे? तो नोइंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। टीसी छाबड़ा जी रोज बता रहे हैं, बट उसको उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर करिए एक बार, अपने जीवन को समृद्ध बनाइए टीसी छाबड़ा जी के सानिध्य में। मैं आपसे कह रहा हूं, टीसी छाबड़ा जी जैसी गहराई बहुत कम लोगों में मिलती है, मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई बार। एक छोटा सा काम मेरी चर्चा में आया और सैनिक आए इसके देखते हैं इसको, और 8-9 महीने बाद 10 महीने बाद मेरे पास फोन आया, वो काम आज करना है। वो काम उनके 10,000 कामों में से एक काम था, फिर भी उन्हें याद रहता है। आपकी जिंदगी के लिए टीसी छाबड़ा जी संघर्ष कर रहे हैं, आपका जीवन बदलने के लिए वो कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है, बट वो चाहते हैं कैसा भारत बने, तो आपका सहयोग जरूरी है सभी का। मैं सच कह रहा हूं, अगर टीसी छाबड़ा जी जैसा सोचते वैसा अगर आरसीएम हो जाएगा ना, तो आरसीएम की छवि होगी। मेरे याद है, मैंने जब 2008-09 में मैं इम्फाल गया, और वहां में मिलिट्री रहती है पूरा, क्योंकि वहां पूरा मैंने रोज ये रहता है, तो मैं जब मीटिंग लेने जा रहा था तो मिलिट्री ने रोका, कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा मीटिंग लेने, तो वो सोचे कोई टेररिस्ट का मीटिंग होगा, तो उन्होंने अटैच वगैरह खोली, क्या करते हो? मैं बोला आरसीएम, ये 2008-09 की बात। तो उन्हीं सैनिकों में से एक मिलिट्री मैन था जो राजस्थान का होगा, उसने कहा आरसीएम अच्छा है, और उन्होंने मुझे जाने दिया। ये भावना जिस दिन आ जाएगी आरसीएम अच्छा है, उस दिन का इंतजार करो आप, तब तक आप टीसी जी को फॉलो कर लो। मैं कहता हूं उनके अंदर जुनून है, वो जुनून को जिंदा रखिए आप। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।